अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शाम करते हैं कराची से। एसपी मनीर सिंगार मलक की सरबराही में कायदाबाद पुलिस ने दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ जुल्फकार से। जी जुल्फकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से एसपी मनीर सिंगार मलक का कहना था कि एसएचओ कायदाबाद अमीन खोसो ने खुफिया इतला पर पुलिस पलटी के हमरा शेरपाव कॉलोनी के करीब बस अड्डे पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी ईरानी डीजल की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। उन्हों का बताना था कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजम शहरयार खान को गिरफ्तार करके 350 लीटर ईरानी डीजल से भरे 14 ड्रम बरामद कर लिए हैं। एसएचओ कायदाबाद अमीन खोसो से मेरी बात हुई तो उन्हों का कहना था कि मुलजम शहरयार खान के जेर इस्तेमाल मजदा गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। एसएचओ का बताना था कि दूसरी कार्रवाई में कायदाबाद से गुटखा फरोश को गिरफ्तार करके मुलजम अख्तर ज़ादा के कब्जे से बड़ी मकदार में गुटखा मावा बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजम अख्तर ज़ादा पाबंदी के बावजूद इलाके में गुटखा मावा फरोख्त कर रहा था। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।